कि आप सभी लोग जानते हैं मेरा जो है पंजाब नेशनल बैंक में जो है अकाउंट था, मैंने जो है केवाईसी करवाया था कुछ दिन पहले। ऑटोमेटिक जो है अभी मैसेज आ रहा है कि केवाईसी करवाइए, केवाईसी करवाइए। जी हाँ, तो आज चलिए फटाफट जो है चलते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, मैं आप सभी को जो है लाइव दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये ज़्यादातर इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बंदों का जो है केवाईसी हुआ था, लेकिन कुछ लोगों का जो है अपडेट नहीं किया गया। इसके लिए जो है 12 दिसंबर तक का टाइम है दोस्तों, क्योंकि बैंक की तरफ से जो है बोल दिया गया है कि 12 दिसंबर के बाद जो है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से जा कर के आप अपने नज़दीकी जितने भी पंजाब नेशनल बैंक है दोस्तों, अगर आपका खाता है, आपके घर परिवार में किसी का खाता है, आपके भाई का, ब्रदर का, सिस्टर का, ठीक है, मदर का, फादर का, जिनका भी है दोस्तों, जो जा करके केवाईसी जो है लाजिम चेक कर लीजिए, अन्यथा आप जो है प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए फटाफट हम चलते हैं, क्या प्रोसेस है, मैं आप सभी को जो है लाइव दिखाने वाला हूँ। जी हाँ चलिए, तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने नज़दीकी बैंक पे, जहाँ पे हमारा बैंक है। जी हाँ दोस्तों, पिपराइच, अभी देखिए ये जो है बैंक रहा, साइड में ही देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट अंदर चलते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, मैं आप सभी को जो है लाइव डेमो दिखाऊंगा, किस प्रकार से केवाईसी जो है आप करवा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो भी इन्फॉर्मेशन मैं सभी को दे दूंगा। जी हाँ फाइनली दोस्तों, अभी जो है हम लोग आ चुके हैं घर पे। तो वहाँ पे जो इतने भी डॉक्यूमेंट थे दोस्तों, अगर ज्वाइंट होल्डर हैं आप, यानी आपका ज्वाइंट खाता है दोस्तों, आपका या आपके सिस्टर का या मदर का, फादर का, जिनका भी है दोस्तों, तो उनका जो है पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, जितने भी फॉर्म होंगे मैं फॉर्म आप सभी को जो है दिखाने वाला हूँ, किस प्रकार के वो जो फॉर्म थे दोस्तों आप जो फिल करेंगे। जी हाँ, उसके साथ साथ दोस्तों, अगर 12 दिसंबर के अंदर आपने नहीं करवाया तो आपका अकाउंट जो है क्लोज कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये निर्देश जारी कर दिया गया है पंजाब आरबीआई की तरफ से, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आपका खाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जा करके केवाईसी जरूर पता कर ले, नहीं तो आपको लेने, पैसा निकालने में, डालने में बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता सकता है। जी हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ और इन्फॉर्मेशन ले लें बैंक के थ्रू। जी हाँ, मिलेगा दोस्तों केवाईसी अपडेट, उस पर लिखा होगा मेन हेडिंग में, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। जी हाँ, उसके साथ साथ देखिए, मैं गया बैंक में, जैसे ही दोस्तों वहाँ पे बिहेवियर देखिए, सभी स्टाफ का, जितने भी कर्मचारी थे, देखिए कोई है नहीं। जी हाँ, अभी टाइम मैं 12 बजे गया था, 2 बजे का टाइम हो चुका था वहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत लापरवाही से काम किया जा रहा था बैंक के अंदर। जी हाँ, तो इस प्रकार से काम होता है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर हमारा अपडेट पहले हुआ था जो कि नहीं हो पाया, इसके वजह से हमको जो है दोबारा केवाईसी का फॉर्म जो है भरना पड़ रहा है। तो फिर से दिया गया है फॉर्म, देख सकते हैं किस प्रकार का बिहेवियर था उन सभी का, स्टाफों का। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, आपके फैर के जो है फॉर्म होते हैं, फॉर्म को भरा जाता है, ठीक है। तो और कोई कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या जो है और लगेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और आपका सिग्नेचर। जी हाँ, अगर ज्वाइंट होल्डर है तो उनको भी जो है साथ में लेकर जाइएगा, अन्यथा आप जो है फिर से रिटर्न आना पड़ सकता है बैंक से, ठीक है। तो और परेशानी का सामना करना पड़ा दोस्तों। जी हाँ, देख सकते हैं आप सभी लोग, मैनेजर साहब है नहीं, कर्मचारी भी है नहीं, एक कर्मचारी जो है मोबाइल चलाते हुए, देखिए ये जो है इनको मैं सर सर बोलते ही रह गया, लेकिन कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया, मेरा 2-3 घंटे जो है समय बर्बाद हुआ। जी हाँ, इसको जो है सरकार को जो है कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे कर्मचारियों को जो है डायरेक्ट सस्पेंड कर देना चाहिए, जो कि सैलरी लेते हैं सरकार का काम करने के लिए हम लोगों के लिए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देती बैंकों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप खुद जा करके ये चीज़ जो है चेक कर सकते हैं कि बैंक के अंदर किस प्रकार का काम किया जा रहा है। जी हाँ, तो आइए दोस्तों की वीडियो वेरी इंटरेस्ट वाला, जब लगा चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबा लें, जो कि बिल्कुल फ्री है दोस्तों, कोई चार्ज नहीं लगता।